नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकिता है और आज जिस यौगिक क्रिया के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका नाम है कफोनी शक्ति विकासक क्रिया। संस्कृत में कफोनी मतलब होता है कोनी, यानी कि आपकी एल्बोज। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊंगी, फिर उसके फायदे यानी कि बेनिफिट्स बताऊंगी। इस क्रिया का कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, तो इसको कोई भी कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसका उठा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी टेक्निक बताऊंगी कि कैसे इसको किया जा सकता है। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को मिला लें और सीधे खड़े हो जाएंगे। ध्यान रहे कि आपकी कमर व गर्दन एकदम सीधी हो। अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले आएंगे, सामने की ओर फैला लेंगे। आपके जो पाम्स है वो अपवर्ड होने चाहिए, यानी कि उनका जो फेस है वो ऊपर की ओर होना चाहिए। आपके हाथों में आपके कंधे जितना गैप होना चाहिए और शोल्डर लेवल पे होने चाहिए। अपने अपर आर्म को एकदम स्टिफ रखेंगे, टाइट रखेंगे। अब इनहेल करते हुए अपने पाम्स को अपनी शोल्डर के पास लेके आएंगे, बट ध्यान रहे कि शोल्डर से पाम्स को टच नहीं करना है। इस तरीके से जर्क के साथ लेके आएंगे दोस्तों अपने हाथों को, अपने पाम्स को अपने शोल्डर के पास, बट पाम्स को टच नहीं करना है शोल्डर से। अब एक्सहेल करते समय वही दोबारा जर्क के साथ अपने पाम्स को नीचे की ओर लेके जाएंगे, बट सेम वही ध्यान रखना है कि आपके जो पाम्स हैं वो आपकी थाइस से टच ना हो। इस तरह तो दोस्तों इसी को ही 10 से 15 बार डेली करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहला बेनिफिट इसका ये है, क्योंकि ये कोनी से रिलेटेड है तो आपके जो कोनी की जो मसल्स हैं और बोन्स हैं वो स्ट्रेंथन करता है, वो मजबूत बनाता है। फीमेल्स की कोनियों को एक राउंड शेप देता है और ब्यूटीफाई करता है, खूबसूरत बनाता है। एक्स्ट्रा फैट किसी किसी कोनियों के आसपास जो होता है ये वो भी कम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ है नहीं, तो इसको कोई भी कर सकता है और इसके लाभ उठा सकता है। आई होप कि आप इसको डेली प्रैक्टिस में लाएंगे अपनी और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसके उठाएंगे। धन्यवाद।